क्यों आया महाभारत में, पितामह भीष्म का भतीजा, कैसे लिया उसने पांडवों से बदला और क्या हुआ तब जब उसने अपने चाचा भीष्म को बाणों की शैया पर देखा। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा जब बदले की आग में उसने पांडवों को ललकारा और क्रोध में उनकी सेना पर टूट पड़ा। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उसने भीष्म के भतीजे को युद्ध भूमि पर आते देखा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपने चाचा भीष्म से कम नहीं था। महाभारत के युद्ध में उसने एक से बढ़कर एक कारनामे किए और बड़े से बड़ा पांडव योद्धा भी उसे काबू करने में असफल रहा। पितामह भीष्म का सगा भतीजा किसी भी प्रकार से अर्जुन आदि श्रेष्ठ योद्धाओं से कम नहीं था। उसका निशाना अचूक था तथा उससे युद्ध करना बड़े से बड़े योद्धाओं की भी बस की बात नहीं थी। तो आखिर कौन था पितामह भीष्म का वो वीर भतीजा जिसके बारे में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है, और क्या हुआ तब जब उसने क्रोध में पांडवों को ललकारा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पितामह भीष्म के उस वीर भतीजे का नाम भूरिश्रवा था। भूरिश्रवा के दादा वाहलीक और पितामह भीष्म के पिता शांतनु आपस में सगे भाई थे। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसने अपने दादा, पिता और बेटों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। पितामह भीष्म से खून का सीधा संबंध होने के कारण भूरिश्रवा और उसके परिवार ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भूरिश्रवा के परिवार का एक एक योद्धा एक से बढ़कर एक था और उनको हराना पांडवों के बस की बात नहीं थी। एक कौरव योद्धा के रूप में भूरिश्रवा ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर खलबली मचा दी थी तथा एक निर्भीक योद्धा के रूप में उसने अनेकों पांडव योद्धाओं का दमन किया। महाभारत के युद्ध में जिस प्रकार पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण को मारने के लिए पांडवों ने छल किया, उसी प्रकार भूरिश्रवा को मारने के लिए भी पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। श्री कृष्ण भी भूरिश्रवा की वीरता से परिचित थे और उन्होंने पांडवों के इस छल का पुरजोर विरोध किया। इस बात से आप भूरिश्रवा की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन के युद्ध में? भूरिश्रवा की कहानी उसके पिता सोमदत्त के अपमान से शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता देवकी के स्वयंवर में सोमदत्त ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन उस स्वयंवर में वासुदेव की ओर से शिनी भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने सोमदत्त को बुरी तरह पराजित कर माता देवकी का वासुदेव के लिए हरण कर लिया। सोमदत्त अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और भगवान शिव की साधना में लीन हो गए। उन्होंने महादेव से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो शिनी और उसके वंश का अंत कर दे, और महादेव के आशीर्वाद से सोमदत्त को ऐसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। भूरिश्रवा सोमदत्त का वही वीरवान पुत्र था और अपने पिता के बदले के लिए बेचैन था। महाभारत के युद्ध में शिनी का पुत्र सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ रहा था और बदले की आग में जल रहे सोमदत्त उस पर टूट पड़े। एक लंबे संघर्ष के बाद वृद्धावस्था में भी सोमदत्त ने सात्यकी को पराजित कर दिया। वे सात्यकी को मारकर अपना बदला लेने ही वाले थे कि भीमसेन ने बीच में दखलंदाजी की और सोमदत्त भीमसेन से युद्ध में व्यस्त हो गए। तभी मौका पाकर सात्यकी ने सोमदत्त को भाले से मार दिया। साक्षात महादेव का वरदान भूरिश्रवा अपने पिता सोमदत्त की मृत्यु से कुपित हो उठा और युद्ध भूमि पर एक भूखे शेर की भांति सात्यकी को खोजने लगा। महाभारत युद्ध के पांचवे दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी के दसों पुत्रों को अकेले ही मार दिया था। तो वहीं दूसरी ओर कौरवों की सेना में उथल पुथल मचाता हुआ सात्यकी भूरिश्रवा से भिड़ गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया और दोनों के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी को पकड़कर तलवार निकाल ली। अब अगले ही क्षण सात्यकी
भूरिश्रवा के प्रहार से मारा जाने वाला था, तभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए एक तीर से भूरिश्रवा की कोहनी से नीचे का हिस्सा कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अर्जुन की इस प्रकार की दखलंदाजी से क्रोधित भूरिश्रवा वहीं अनशन पर बैठ गया, क्योंकि अर्जुन का ये बर्ताव युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तभी मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धर से अलग कर दिया। अगर अर्जुन ने ये नहीं किया होता तो उस दिन अवश्य ही सात्यकी मारा जाता। सात्यकी और अर्जुन द्वारा किए गए इस छल का विरोध स्वयं श्री कृष्ण ने भी किया था। तो ये थी वीर भूरिश्रवा और उसके साहस की कहानी। अब उसके पितामह भीष्म से संबंध को जान लेते हैं। पूर्व काल में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप थे। प्रतीप के देवापी, शांतनु और वाहलीक नामक तीन पुत्र हुए। इन तीनों पुत्रों में से देवापी ने संन्यास ले लिया था और शांतनु के वंशजों ने आगे चलकर हस्तिनापुर पर शासन किया। तो वहीं प्रतीप के तीसरे पुत्र और शांतनु का छोटा भाई वाहली एक साम्राज्य का राजा बना, जो आज के कश्मीर के निकट स्थित है। वाहली कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्रों और पौत्रों सहित कौरव पक्ष की ओर से लड़े और उन्होंने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सेना विंदु जैसे श्रेष्ठ योद्धा का अंत किया। राजा वाहलीक ने बूढ़े होते हुए भी युद्ध भूमि पर अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया और असंख्य योद्धाओं को मारा। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने महाभारत के 18 दिनों में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया और अंत में भीमसेन के हाथों मारे गए। महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा अपने दादा, पिता, भाई और बेटों सहित मारा गया। तो आपको महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।